हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आम का अचार बनाना बताने जा रही हूँ। आम का सीज़न चल रहा है तो मैं आपको आम का अचार कैसे बनता है ये देखिए। मैंने 5 किलो आम लिए थे कटवा के, आप बाहर कटवा के ले आइए और घर में इसको फिर पोंछ के अच्छे से थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ के रखिए, इसको धुलिएगा नहीं, अच्छे से एक एक आम को गीले कपड़े से पोंछ के हमें रख देना है। इसको थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए धूप में रख के उसके बाद हमें इसमें हल्दी और नमक लगा के रख देना है। ये मैंने 5 किलो आम लिया था, इसमें ये देखिए 5 किलो आम में हम ये 100 ग्राम हल्दी, पिसी हुई हल्दी है ये 100 ग्राम हमने ले लिया है, और हम इसमें नमक डाल लेंगे, लगभग 1/2 किलो नमक हम अभी इसमें डाल लेंगे। ये देखिए 1 किलो का पैकेट था, मैंने 1/2 नमक इसमें डाल दिया है, और इसको हमें पूरे दिन धूप में रख देना है। आप किसी साफ बर्तन का ही यूज़ करें, ये मेरे पास नई बाल्टी थी प्लास्टिक की तो मैंने ये लिया, मेटल के बर्तन का यूज़ ना करें इसके लिए, अचार बनाने के लिए प्लास्टिक के बर्तन का ही यूज़ करें। और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और पूरा 1 दिन हमें इसको धूप में रखना है, जिससे कि आम का जो मॉइस्चर है सारा वो अच्छे से निकल जाए, पूरे दिन में ये निकल जाएगा। तो हम इसको पूरे दिन धूप में रखेंगे। और हमें अचार के लिए चाहिए, ये देखिए मैंने 1 किलो लहसुन लिया है, ये 5 किलो अचार में मैं 1 किलो लहसुन यूज़ करूँगी। आप लहसुन को 2 घंटे तक इसको फोड़ के पानी में भिगो दीजिए, फिर इसका छिलका उतारना है आपको, छिलका उतार के सारे लहसुन मतलब छील लेने हैं। उसके बाद लहसुन को हमें 5 से 6 घंटे धूप में लहसुन को भी रख देना है, जैसे कि अगर इसमें भी जो भी मॉइस्चर हो लहसुन का वो भी सूख जाए। तो ये भी हमें धुल के इसको अच्छे से छील के और सुखाना है लहसुन। अब हमें इसमें चाहिए, ये देखिए मैंने ये सिरका लिया है, हमें गन्ने का सिरका मैंने लिया है, इतने 5 किलो अचार में ये आधी बोतल मतलब 1/2 लीटर लगभग लग जाएगा ये गन्ने का सिरका। और ये देखिए हमें ये जीरा लेना है, जीरा हमें 5 किलो अचार में 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम सौंफ, मेथी के 2 चम्मच ही लगभग पड़ेंगे, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर है, राई 100 ग्राम राई, और कलौंजी, अनियन सीड जिसको बोलते हैं, ये भी हमें बस 2 चम्मच चाहिए होगा। और काली मिर्च पाउडर, ये देखिए काली मिर्च पाउडर है, ये भी हम, ये मेरा 50 ग्राम का पैकेट है, ये मैं पूरा डाल दूँगी। तो ये मसाले, मैं धनिया नहीं डालती हूँ इसमें, धनिया से अचार जल्दी ख़राब हो जाता है इसलिए मैं धनिया का यूज़ नहीं करती हूँ। ये सारी चीज़ें सुबह हमें रोस्ट कर लेनी है, राई को छोड़ के, और लाल मिर्च पाउडर है, अगर आपके पास साबुत हो तो आप लाल मिर्च भी रोस्ट करेंगे, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आपको साबुत को रोस्ट करना है। तो और बाकी ये सारी चीज़ें हमें रोस्ट करनी है, मेथी, जीरा, सौंफ और कलौंजी, काली मिर्च पाउडर भी है तो इसको भी हमें रोस्ट नहीं करना है, बाकी ये चारों चीज़ें हमें रोस्ट करनी है, अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद हमें मोटा मोटा पीसना है। तो मैं आपको रोस्ट करते टाइम दिखाऊंगी कैसे इसको रोस्ट करना है फिर कैसे पीसना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको पूरे दिन पहले इसको सूखने देते हैं, एक पूरे दिन इसका मॉइस्चर सारा निकलने देते हैं, फिर आगे क्या प्रोसेस करना है मैं आपको बताऊँगी। और हाँ, सरसों का तेल चाहिए होगा इसके लिए, हमें लगभग 5 किलो आम के अचार के लिए मैं लगभग 1.5 लीटर सरसों के तेल का यूज़ करूँगी, ज़्यादा तेल नहीं, 1.5 से भी कम लगेगा, मैं मिक्स करते टाइम देखूँगी कितना लगता है, कम से कम 1 लीटर 1.25 लीटर तो लग ही जाएगा, बहुत ज़्यादा हम तेल नहीं भरते, सूखा ही रखते, बस मसाला मिक्स करने में जितना यूज़ होगा मैं आपको उतना दिखाऊँगी कितना यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बाकी अचार मॉइस्चर छोड़ने के बाद, आम मॉइस्चर छोड़ने के बाद मैं बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, जब तक हमारा आम मैंने मिला के रख दिया था, आम के अचार में नमक और हल्दी, उसको मैंने 1 दिन के लिए रख दिया था, अब वो पानी छोड़ चुका है, और हम अपना मसाला भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने जीरा, इसमें मैंने 100 ग्राम जीरा, ये हमें सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है, 100 ग्राम सौंफ,
ये देखिए, दो चम्मच मैंने, दो चम्मच के लगभग, दो टीस्पून है ये कलौंजी, अनियन सीड जिसको बोलते हैं, मेथी, मेथी भी ये देखिए मैंने दो चम्मच के करीब ली है। ये सारी चीज़ें हमें भून लेनी है अच्छे से। महक आने लगे तब तक भूनना है हमें। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, बहुत हाई नहीं, जल जाएगा। ये देखिए राई का 100 ग्राम का पैकेट है, इसको हमें ऐसे ही पीस लेना है। हमें सारे मसाले बहुत बारीक नहीं करने, दरदरे पीसने हैं। तो हम राई को पीस लेते हैं मिक्सी में, बस इसका दाल जैसा हो जाए, एक राई के दो टुकड़े हो जाने चाहिए, इतना ही हमें पीसना है जब तक हमारे मसाले भी भुन रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने राई पीस ली है, राई के बस मोटा मोटा पीसना है, एक दाने के दो टुकड़े हो जाएं। और ये देखिए मसाला भी हमारा भुन रहा है, बस एक दो मिनट और हम इसको भुनेंगे लो फ्लेम पे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने 100 ग्राम मिर्च खोल ली है, और 50 ग्राम मेरा काली मिर्च का पैकेट था, मैंने आधा लिया है। ये सारी चीज़ें, ये पिसी हुई थी तो मैंने राई के साथ इसको मिक्स कर दिया है। और हमारे मसाला भुन चुका है, थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए मसाला ठंडा हो रहा, और ये हींग है, ये हींग हमारी 50 ग्राम की है। ये पूरी मैं हींग ये डाल दूँगी अपने अचार में, पूरी हींग ये चली जाएगी इसमें। हींग थोड़ा ज़्यादा लगता है अचार में, उसका फ्लेवर अच्छा आता है, तो ये पूरी हींग मैं डाल दूँगी। ये देखिए पूरी हींग मैंने डाल दी है। मैंने लिया हींग, लाल मिर्च पाउडर, राई मैंने पीस ली थी, और काली मिर्च पाउडर, ये चार चीज़ अभी है। बाकी ये मसाले मैंने रोस्ट किए हैं, मेथी, कलौंजी, जीरा और सौंफ, ये चारों चीज़ें मैं भी पीस लूँगी। ये थोड़ा ठंडा हो जाए, मैं थोड़ा हिला लेती हूँ, ठंडा हो जाएगा। गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, तो इसे भी हमें पीस लेना है मोटा मोटा। ये देखिए फ्रेंड, कल मैंने आपको लहसुन बताया था, अचार में 1 किलो के लगभग लहसुन जाएगा। इसको मैंने रात में भिगा दिया था, और फिर इसके छिलके आसानी से उतर गए हैं भीगने के बाद। और इसको मैंने पंखे के नीचे ही सुखा लिया है 5 से 6 घंटे के लिए, क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो धूप नहीं थी। तो इसको पंखे के नीचे सुखा लेंगे तो भी इसका पानी सारा, ये देखिए बिल्कुल सूख चुका है। अब मैं इसको पीसूंगी। बिल्कुल सफाई का अचार बनाते समय ध्यान रखना है, सारा बर्तन सूखा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए एकदम अच्छे से। आप पोंछ के साफ़ करके, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, किसी भी बर्तन में। अगर आपको अचार लंबे समय तक रखना है तो आपको पानी नहीं रखना है अचार में। तो चलिए मैं इसको भी पीस लेती हूँ। ये देखिए पहले ये मसाला ठंडा हो गया, पहले मैं इसको पीस लूँगी, उसके बाद लहसुन पीसूँगी, नहीं तो जार मेरा गीला हो जाएगा। तो ड्राई रोस्ट मसाले जो हैं इनको पहले, सूखे मसाले हम पीस लेंगे। ये देखिए इनको मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो मैंने ड्राई रोस्ट मसाला किया था वो भी तैयार हो गया है, मोटा ही मोटा हमें रखना है। ये देखिए इसको भी मैंने पीस लिया है, इसको एक थाली में उसी में निकाल लेते हैं जिसमें मैंने सारे मसाले कलेक्ट किए। अब हम लहसुन लेंगे, जो मैंने लहसुन अच्छे से सुखा लिया था छील के, उसको हम पीस लेंगे जार में डाल के। ये देखिए ये लहसुन ले लेंगे जार में, और हम इसके साथ में सिरका डाल देंगे ताकि हमारा अच्छे से पिस जाए, क्योंकि सूखा लहसुन है जल्दी पिसेगा नहीं। तो मैंने इसको सिरके के साथ डाल दिया सिरका और लहसुन। ये देखिए अब मैं इसको पीस लूँगी। ये देखिए हमारा लहसुन पिस गया, हम इसको इसमें निकाल लेते हैं। सिरके के साथ पीसेंगे तो आपको पीसने में आसानी होगी, ऐसे पिसेगा नहीं। तो ये देखिए हमारा लहसुन भी पिस गया है। पिस गया है, तो चलिए अब हम बताते हैं आगे कैसे आपको बनाना है।
फ्रेंड ये देखिए मैंने कल आम रखा था, इसमें से कितना पानी छोड़ दिया है ये देखिए, आपको पानी दिख रहा होगा। तो अब हमें, मैंने इसमें हल्दी और नमक लगा के इसको रख दिया था, एक दिन के लिए पूरा छोड़ दिया था। अब हम दूसरा बर्तन लेंगे अच्छे से साफ करके, और ये देखिए इस बर्तन में ये अचार निकाल लेना है, ये आम की कलियां निकाल लेनी है, हमें पानी नहीं इसका डालना है, पानी जो मॉइस्चर निकला है बिल्कुल इसका यूज़ नहीं करना है। देखिए मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ, ये मैं ऐसे सारा निकाल लूँगी, सारा थाली में हमें अलग कर लेना है, पानी नहीं इसमें डालना है, पानी अलग करना है। ये देखिए ऊपर ऊपर से सारा निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड हमने सारे आम की कलियां अलग कर ली हैं पानी से, जो इसका मॉइस्चर छूटा था। हल्दी नमक लगाने से इसका प्रिजर्वेशन, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, अचार काफ़ी दिनों तक टिक जाता है। ये देखिए जो भी आम का मॉइस्चर था सारा छूट चुका है, कितना पानी आम ने छोड़ा ये देखिए। तो अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको अलग कर देंगे। और ये देखिए ये हमारा आम ये है, इसमें जितनी भी चीज़ें पड़ेंगी ये सारी चीज़ें आपके अचार को लॉन्ग लाइफ देंगी। अचार सिरका हल्दी नमक ये सारा प्रिजर्वेशन का काम करता है अचार को। और आप लहसुन आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें आप ना खाते हो तो स्किप कर सकते हैं, बाकी सारे मसाले आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको साइड कर देते हैं आम को, और हम अपना मसाला, ये है हमारा मसाला, इसको मिक्स कर देते हैं, जो जीरा सौंफ मेथी कलौंजी काली मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर हींग राई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया था वही सारी चीज़ें हैं, इनको मिक्स कर देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे अभी, ये देखिए फ्रेंड ये जो मैंने सारा अलग किया था मैं एक दूसरे परात में निकाल लिया था, इसको हम इस बाल्टी में डाल देंगे। मैंने पानी फेंक दिया हल्दी नमक का क्योंकि मेरे पास बड़ा बर्तन नहीं है, तो अब हम इसी में अचार मसाला सारा मिक्स करेंगे। ये देखिए ये जो मसाला है ये हम डालेंगे धीरे धीरे करके। ये देखिए आपके पास बड़ा बर्तन कोई हो टब वगैरह तो आप उसमें बना सकते हैं, मेरे पास है नहीं तो मैं इसी बाल्टी में बना रही हूँ। ये सारा मसाला हम डाल देंगे इसी में, ये देखिए मसाला डाल दिया मैंने। अब इसमें नमक डालेंगे, कल मैंने 1 किलो नमक लिया था, आधा मैंने नमक हल्दी लगा के रख दिया था और आधा मैं और डाल दूँगी, लगभग 3 पाव नमक मैंने डाल दिया है। अब इसमें तेल डालेंगे, ये देखिए 1 लीटर की बोतल पूरी मैंने खोली थी, अभी मैंने आधा डाला है, आधे से कम। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। और ये लहसुन का पेस्ट, ये देखिए आपको हाथ अच्छे से साफ़ कर लेने हैं, अचार बनाते समय हाथ का ही यूज़ करना है, और अच्छे से साफ़ करके हाथ को सुखा के फिर उसके बाद हम मिक्स करेंगे। ये देखिए कि मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया है, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर एकाध टुकड़े आपके नीचे गिर जाते हैं तो प्लीज़ उसको उठा के इसी में मत डालिएगा, अलग रख दीजिएगा उसको। 1 टुकड़े की वजह से आपका अचार ख़राब भी हो सकता है। ये देखिए सारी चीज़ें हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लहसुन से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें सिरका डाल देंगे, ये आधा सिरका पूरा हम डाल देंगे इसमें, फिर मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा अचार तैयार हो गया है, अब हम इसको कम से कम 1 हफ्ते तक धूप दिखाएंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है, और बाकी हमें सिरका बचा है आधा और डाल लेते हैं। ये देखिए मैंने लगभग 3 पाव सिरका मैंने इसका डाल दिया है, अब थोड़ा ही बचा है,
तो 5 किलो अचार में 3 पाव सिरका लग गया, लगभग 3 लीटर, सॉरी 1.25 लीटर सिरका मेरा लग गया है, लगभग 700 ml। अब हम इसको कंटेनर में भर लेंगे, एक साफ़ कंटेनर हमें लेना है, ये देखिए, और इसमें हमें इसको भर लेना है, अच्छे से साफ कंटेनर, सूखा हुआ, बिल्कुल धूप दिखाया हुआ कंटेनर। अब हम इसमें ये अपना अचार भर लेंगे। इतने अचार में मैंने 0.5 लीटर अभी तेल लगाया है, ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी मैं। ये देखिए, इतने अचार में तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा तेल अच्छा नहीं लगता है, अचार में तेल ही तेल हो जाता है। मेरा अचार अगर 5 साल भी रखा रहे तो कभी ख़राब नहीं होता और ऐसे ही हरा बना रहता है, काला भी नहीं पड़ता है। तो आप तेल कम ही डालें, बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखें कि कभी भी अचार को गीले हाथ से ना छुएं, आटे वाले हाथ से ना छुएं, और इसमें गीला चम्मच वगैरह चम्मच डाल के छोड़ के मत रखें, और अचार को बीच बीच में धूप में दिखाते रहें, तो आपका अचार बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो ये देखिए, अभी ये ताज़ा है, तो ये कंटेनर भर गया है, मैं दूसरे कंटेनर में डालूँगी। अभी ये बैठ जाएगा, 2-3 दिन धूप लगेगी तो ये आधा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 5 किलो आम में इतना अचार तैयार हुआ है, तो मैंने कंटेनर में भर लिया है। अब हम इसके ऊपर से एक कपड़ा बांध देंगे, ऐसे कपड़ा बांध देंगे, हमें कपड़ा बांध के इसके ऊपर आप बांध दीजिए या फिर ऐसे रबर बैंड लगा दीजिए। मैं थोड़ा बड़ा रबर बैंड लाती हूँ, छोटा है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर ऐसे कपड़ा ढक के और रबर बैंड लगा दिया है। हमें 5-6 दिन तक इसको, कम से कम हफ्ते भर इसको हमें धूप दिखानी है, उसके बाद हमें इस पर ढक्कन चढ़ाना है। ढक्कन लगा के आप धूप में मत रखिएगा, नहीं सारा भाप बन के इसमें पानी जाएगा। तो ये कुछ दिनों में भी ये सारा अचार बैठ जाएगा, अभी लग रहा है ये बहुत सारा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ये दोनों अचार एक में शिफ्ट हो जाएगा जब ये गल जाएगा, तो इन दोनों के ऊपर हम ऐसे ही कपड़ा बांध के रख देंगे। तो फ्रेंड, हमारा अचार आम का ये देखिए तैयार हो गया है। अगर आपको मेरे अचार की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। और मैंने जो भी टिप्स अचार के बारे में बताई है उसको फॉलो करिए, आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।